परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी को एब्रिविएशन में पी एंड सी, पी परम्यूटेशन और सी कॉम्बिनेशन वर्ड के लिए है, यूज करते हैं। यह टॉपिक का नाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन वगैरह अभी बाद में आएंगी, पहले उससे पहले कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग तो सभी को आती है, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग है। लेकिन मान लीजिए कि 10 रोज हैं और हर रो में इस तरह के 5 टिक्स हैं और 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टोटल कितने रोज हैं, 10। आपने नंबर ऑफ रोज काउंट कर लिए 10 और इस हर रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये बता दिया गया आपको। आपने देखा 5 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 × 10। ठीक है, अब कोई ऐसे अगर काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक स्टूडेंट वो काउंट करेगा तो तब भी आंसर 50 ही आएगा, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल लगाया मल्टीप्लीकेशन का, जो कि हम काफी छोटी क्लासेस से जानते हैं कि हम इस एक रो में काउंट कर लें और हर रो में सेम है तो मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी क्या है, क्या बोल रहे बेटा, ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग ही कर रहे हैं लेकिन विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। इसमें क्या भी क्या किया जा रहा है, इस टॉपिक में काउंटिंग ही होगी बट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, मतलब एक एक को हम काउंट करें वो नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसके लिए हम कोई मेथड लगा रहे होंगे विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ये पीएनसी जो टॉपिक है, जो भी नंबर ऑफ वेज हैं या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ नंबर्स काउंट कर रहे हैं, वो कुछ मेथड्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल लगा रहे हैं और उनकी हेल्प से वो नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। और अगर बहुत छोटे नंबर्स हैं और ठीक है केसेस को ऑब्जर्व किए जा सकते हैं मान लीजिए, तो फिर आप उसमें ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। मान लो एक 5 स्टूडेंट्स होते फर्स्ट रो के केवल काउंट करने होते तो आप 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एंड सेकेंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फर्स्ट लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें लिखेंगे इफ अ वर्क कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर वर्क can be done in n different ways दो पर्टिकुलर वर्क है, एक है m तरीके से कर सकते हैं हम लोग उसको और दूसरे वर्क को करने के n मेथड्स हैं। देन बोथ द वर्क्स both the works in a definite order in a definite order
वन आफ्टर द अदर, कैन बी डन इन एम क्रॉस एन वे, एम इंटू एन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर वर्क है जिसको हम एम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, दूसरा है एन तरीके से कर सकते हैं। हमें दोनों ही वर्क करने हो, बोथ, एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक के बाद दूसरे को, तो हमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, एम इंटू एन। अब ऐसे आप समझिए, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट है आप में से, कोई स्टूडेंट ए और एक्स, यहाँ से उसके घर से, उसे घर से स्कूल जाने के कितने डिफरेंट वेज हैं, तीन डिफरेंट रास्ते हैं, ठीक है, या थ्री डिफरेंट वेज हैं कह सकते हैं, कि वो घर से स्कूल कार से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकता है, और स्कूल कन्वेंस बस से जा सकता है। फिर स्कूल से विज्ञान आना है जस्ट आफ्टर द स्कूल। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने के फाइव डिफरेंट वेज, अब अगर आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट को विज्ञान पे आना है लेकिन स्कूल होते हुए आना है, एक डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब दोनों वर्क होने चाहिए, स्कूल भी जाए और स्कूल के बाद आए, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आना है, हो सकता है डायरेक्ट भी कुछ हुए, मतलब डायरेक्ट भी ऐसे घर से भी दो रास्ते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं आना है, एक ऑर्डर है कि स्टूडेंट स्कूल से होते हुए घर आए, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उसके लिए, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, क्योंकि अगर वो यहाँ फर्स्ट रास्ते से आया स्कूल गया तो अब इस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग भी ये फाइव वेज हैं, फर्स्ट से आने के बाद भी ये ए बी सी डी ई किसी भी रास्ते से जा सकता है, सेकेंड से आने के बाद भी ए बी सी डी से आ सकता है, थर्ड से आने के बाद भी ए बी सी डी से आ सकता है, तो अगर आप काउंट करोगे तो ये फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये फाइव, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव, ऐसे ही सेकेंड के लिए काउंट करोगे तो भी वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल काउंट करेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15, और वही हमने मल्टीप्लीकेशन से कर लिया, 3 इंटू 5 15 वेज होंगे, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ सर। सेकेंड लिखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, समेशन। अब यहाँ जो है मल्टीप्लीकेशन था वैसे ही यहाँ पर समेशन है, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस और देखेंगे। ये लिखे एक अ वर्क कैन बी डन, इफ अ वर्क कैन बी डन in m different ways, and another work can be done in n different ways, same लिखा है two lines जो कि multiplication में लिखी थी, उसके बाद लिखा then either of two work, वहां पे क्या था, दोनों वर्क करने थे, यहाँ पे क्या है, दोनों में से कोई एक फर्स्ट कर ले और सेकंड, कोई एक ही वर्क करना है, नॉट बोथ, दोनों नहीं करने, कैन बी डन इन एम प्लस एन वे,
है, अगर दोनों दो वर्क है, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ से घर से स्कूल जाने के 3 बजे से, और विज्ञान आने के 2 बजे थे, लेकिन कोई एक करना है, आइदर टू स्कूल आर टू विज्ञान, तो 3 + 2 तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5। दोनों ही नहीं करना है, समझ रहे हैं? तो उस केस में हमें क्या लगाना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है कि आप मल्टीप्लीकेशन लगाइए या एडिशन लगाइए, क्वेश्चन में अगर आप कोई क्वेश्चन करते हुए एंड वर्ड आ रहा हो, सॉल्व करते हुए एंड आ रहा हो, ठीक है, या आप केसेस कर रहे हैं तो आपको लगे कि ये भी करना है एंड ये भी करना है और ये भी करना है, फर्स्ट काम भी करना है और दूसरा काम भी करना है, एंड आ रहा है, फर्स्ट हैज टू बी डन एंड सेकेंड हैज टू बी डन, तो वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन लगाए, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन वर्ड आ रहा हो केस को सॉल्व करते हुए और आ रहा है, आइदर दिस और दिस, इनमें से कोई एक काम करना है, आइदर फर्स्ट हैज टू बी डन और सेकेंड हैज टू बी डन, तो वहां पे क्या करना है, प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई करना इसमें, ठीक है। ज्यादा अप्लीकेशन वैसे किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको वहां पर समझना है, प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल हैज 5 different doors, find the number of ways one can enter and leave the hall by a different door. बनाएंगे इसको, एक सिनेमा हॉल में क्या है, 120 5 different doors हैं, ठीक है, वो जो पर्सन है किसी भी एक डोर से एंटर हो सकता है, लेकिन जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो वो क्या है, जिससे अंदर गया हो उससे बाहर ना आए, लेकिन दोनों ही वर्क करने हैं, मतलब कि सिनेमा हॉल के अंदर भी जाना है, अगर इसके मान लीजिए हॉल ये एक सर्कल की तरह, यहाँ 5 different doors हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 different doors हैं, वो एंटर किसी से भी कर सकता है, तो एंटर करने के नंबर ऑफ वेज आप एंटरिंग कहेंगे तो क्या होगा, 5, लेकिन अगर जिससे भी डोर से जाता है वो, ठीक है, तो वो डोर सारे मैजिक डोर हैं, जैसे ही उस डोर से गया सर आप म्यूट हो गए। आपकी
आ रही। देखिए आवाज़ नहीं आ रही थी, अचानक से डिस्कनेक्ट टाइप से हो गया था। अभी आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक यस yes, है। ये बार बार हो जा रहा है मैथ्स में, कई बार क्लास में हो रहा है। ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है कि इधर कई और सब्जेक्ट्स में भी हो रहा सर, सिर्फ आपके साथ है? अच्छा, मेरे साथ ही हो रहा है ज़्यादा। अच्छा, केमिस्ट्री में भी तो होता है पड़ेगा फिर। सर, राहुल सर के साथ भी होता है। अच्छा, तो फिर झा सर से या पवन सर से संपर्क करना पड़ेगा कि झा सर का तो कैसे? अच्छा, नेटवर्क बहुत खराब है। उनका नेटवर्क ही गड़बड़ है तो। यस तो बोलता दिलाते भी में ही एग्जिट हो जाते हैं। चलो देखते हैं बेटा फिर। ये जबकि नेटवर्क तो लिया हुआ है, ब्रॉडबैंड वगैरह जैसे जो सिस्टम होता है, और पहले तो एकदम सही चलता था, इधर कुछ दिनों से हो रहा है। चलिए, अच्छा कोई नहीं, ये आ गया था सभी का 20 आंसर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया आपको, 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं पीएनसी पर। देखिए, अ पर्सन हैज सेवन फ्रेंड्स एंड ईच फ्रेंड हैज सेवन चिल्ड्रन। ठीक है, एक पर्सन के सात मित्र हैं और हर एक मित्र का कितने बच्चे हैं? सेवन। पर्सन वांट्स टू गिव सेवन चॉकलेट्स, सेवन चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड, each child on his birthday, then how many chocolates, how many chocolates he would purchase or he should have? So 343 343 343 ठीक है, सिंपल है। एक पर्सन के सेवन मित्र हैं, सात मित्र हैं, तो फ्रेंड्स तो हो गए सेवन, और हर एक के कितने बच्चे हैं? सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन हो गए सेवन इंटू सेवन 49। और अब एवरी चाइल्ड विल गेट सेवन चॉकलेट, तो टोटल चॉकलेट्स will be 7 into 7 into 7, 7 cube, that is 343। simple है question। ठीक है, कोई problem है किसी को? बहुत आसान है। third question लिखेंगे, how many three digit numbers
हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट इसमें लिखेंगे विदाउट रेपिटेशन मतलब डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते जो एक बार यूज कर ली उसको फिर से नहीं लिखना विथ रिपीटेशन मतलब उस डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं रिपीटेशन 60 और 120 ठीक है उस डिजिट को दोबारा भी यूज किया जा सकता है ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में है उस डिजिट को सेकंड टाइम नहीं यूज कर सकते ऐसे थ्री डिजिट के नंबर बताने सर 60 और 125 सही है थ्री डिजिट के नंबर बनाने हैं और इससे टोटल नंबर हम बता रहे हैं तो नंबर्स विल बी देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज है फाइव इन फाइव डिजिट में से कोई भी एक डिजिट रखो लेकिन अगर जैसे यहाँ एक डिजिट रखी आपने वन तो अब बचे फोर डिजिट अब उस उनमें से कोई डिजिट रखनी पड़ेगी तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं फोर जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ रख दिया डिजिट थ्री तो यहाँ पे थ्री भी नहीं रख सकते लास्ट प्लेस पे वन भी नहीं थ्री भी नहीं अब बची कितनी डिजिट थ्री थ्री डिजिट फोर से कोई एक डिजिट रखनी है थर्ड प्लेस पे तो थर्ड प्लेस को फिल करने के थ्री वेज और ये तीनों ही प्लेस जब फिल हो जाएंगे तो थ्री डिजिट नंबर बनेगा ये तीनों वर्क कंप्लीट होने चाहिए तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन तो 5 × 4 × 3 आंसर विल बी 16 जब सेकंड कहा जा रहा है विथ रेपिटेशन में क्या है अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे वन रखा तो मैं सेकंड पे भी वन रख सकता हूँ तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के फाइव वेज हैं तो सेकंड प्लेस के लिए भी फाइव वेज हैं और थर्ड प्लेस के लिए फाइव वेज हैं तो देयर फोर नंबर्स विल बी 5³ 125 नोट करेंगे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो सेकंड वाले एक और बार बताना सेकंड वाले में है विथ रिपीटेशन मतलब डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो जैसे डिजिट कौन कौन सी थी बेटा 1, 2, 3, 4, 5 थी तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के फाइव वेज हो गए जैसे वन रख दिया आपने अब सेकंड प्लेस पे वन भी रख सकते हैं तो सेकंड प्लेस के लिए भी अगेन फाइव डिजिट है हमारे पास क्योंकि हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं ये नंबर भी चलेगा यहाँ 111 भी चलेगा 112 भी चलेगा 113 भी आएगा 1225 भी आएगा तो रिपीट भी हो सकती है डिजिट लेकिन पिछले वाले में डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते थे तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के फाइव डिफरेंट वेज हैं तो सेकंड के लिए फाइव है थर्ड के लिए फाइव है इन्हीं में से डिजिट लेनी है 1 से 5 तक समझ रहे हैं और जब तीनों प्लेस फिल हो जाएंगे तो डिजिट कंप्लीट होगी थ्री डिजिट तो इसलिए नंबर ऑफ वेज हो गए 5³ नेक्स्ट लिखते हैं Find the number of three digit even number. Find the number of three digit even numbers with the condition. With the condition that. Five is one of its digit. If five is one of its digit, then seven is next digit. If five is one of its digit, then seven is next digit. बनाएंगे इसको केसेस को ध्यान से ले करके सॉल्व करें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो उस लैंग्वेज को ध्यान से देखें सर 5 उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए थ्री डिजिट के इवन नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जब ऐसे लिखा है तो रिपीट कर सकती हैं डिजिट
किसी का ने बताया आंसर, किसने बताया बेटा 5? 65 तो दूसरा केस भी ले लिया 365 क्या लिखा 5 एक डिजिट है फर्स्ट केस 5 एक डिजिट है बेटा है जो 5 थ्री डिजिट का नंबर बनाना है फर्स्ट प्लेस पे मैंने 5 रखा तो सेकंड प्लेस पे मुझे 7 रखना पड़ेगा यही तो है इफ 5 इज वन ऑफ इट्स अ डिजिट देन 7 मस्ट बी इफ 5 इज अ डिजिट और वन डिजिट ऑफ दिस थ्री डिजिट इवन नंबर फर्स्ट प्लेस पे अगर 5 रखोगे तो सेकंड प्लेस पे 7 और इवन नंबर होना चाहिए तो लास्ट प्लेस पे क्या रखोगे बताओ 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट रखोगे तो नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी जिनमें 5 अगर एक डिजिट है तो 7 नेक्स्ट डिजिट है ऐसे नंबर्स कितने हो गए 5 अब यहां देखिए 5 मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा था 7 सेकंड प्लेस पे रखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 5 फर्स्ट एक डिजिट है अगर 5 डिजिट है तो 5 जिस भी प्लेस पे आएगी 7 उसके नेक्स्ट प्लेस पे आएगी और कैसा नंबर निकालना है हमें इवन नंबर ठीक है अगर यही 3 डिजिट नंबर में 5 सेकंड प्लेस पे आए तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा 7 तो इवन नंबर नहीं बन पाएगा यहाँ नहीं हो सकता अगर इसी में 5 लास्ट प्लेस पे आए तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर नहीं होगा तो ये सेकंड और लास्ट प्लेस पर 5 नहीं आ सकता 5 केवल फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है इफ 5 इज वन ऑफ इट्स डिजिट लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 5 इज वन ऑफ इट्स डिजिट अगर 5 डिजिट हो तो लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि 5 डिजिट हो इवन नंबर में तो फर्स्ट केस से हमारे पास आएंगे ऐसे 5 नंबर हैं मतलब 5 नंबर्स हैं जिसमें अगर 5 एक डिजिट है 7 नेक्स्ट डिजिट है और वो इवन नंबर है तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 5 नंबर्स होंगे सेकंड केस हम इसमें यह भी लेंगे इफ 5 इज नॉट अ डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर ये जो हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं उसमें 5 एक नंबर नहीं है एक डिजिट नहीं है 5 को यूज नहीं किया गया अगर यहां लिखा होता कि 5 मस्ट बी यूज्ड तो आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन होता आंसर हो जाता 5 लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि 5 डिजिट को यूज करना मस्ट है तो 5 डिजिट हमने अगर नहीं यूज की तो हमारे पास डिजिट कौन कौन सी बची हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ दीजिए 6, 7, 8, 9 ये 9 डिजिट से मुझे नंबर बनाना है इवन नंबर बनाना है ठीक है देखें इवन नंबर कौन कौन से बनेंगे लास्ट प्लेस को पर आप क्या रख सकते हो 0, 2, 4, 6, 8 तो लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं 5 बेस लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए 5 0 रखो 2 रखो 4 रखो 6 रखो 8 रखो सेकेंड प्लेस पर इन 9 में से कोई भी डिजिट रखो देखें मैं यहाँ रखा 0 यहाँ भी रख दिया 0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है इवन नंबर है यहाँ 2 रख दिया या यहाँ 4 रखा यहाँ 2 रखा या रिपीट भी कर सकते हैं तो यहाँ लास्ट प्लेस पे 9 डिजिट रख सकते हैं 9 बेस क्योंकि इसमें 5 को नहीं यूज कर सकते आप बाकी कोई भी डिजिट रखो और फर्स्ट प्लेस पे लेकिन 0 नहीं रख सकते फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया 2 यहाँ रख दिया 3 और यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर हम 0 नहीं रख सकते तो बाकी बचे कितने डिजिट 8 डिजिट तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं 8 डिफरेंट वेज हैं क्योंकि 0 यहाँ नहीं आएगा और 5 तो आना नहीं है तो बाकी बची 8 डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को आप यहाँ रख सकते हो चाहे कि अगर आपने 1 भी रख दिया तो 100 भी इवन डिजिट इवन नंबर है तो यहाँ से नंबर्स आएंगे फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 8 वेज सेकंड के लिए 9 और लास्ट के लिए 5 इवन नंबर्स हैं तो 8 × 9 72 × 5 कितना आ गया 360 ऐसे नंबर जिसमें 5 एक डिजिट नहीं होगी वो ऐसे नंबर होंगे 360 और ऐसे नंबर जिसमें 5 एक डिजिट होगी वो ऐसे नंबर होंगे 5 अब हमें क्या चाहिए टोटल नंबर्स तो टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे इन दोनों को ऐड कर लें 360 + 5 आंसर विल बी 365 कोई प्रॉब्लम नोट करेंगे
अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सर हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि या तो 5 एक डिजिट होगी या 5 एक डिजिट नहीं होगी। मैं क्या करूं, या मतलब और, आइदर देयर विल बी 5 विल बी अ डिजिट यूज्ड इन 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो और जब मैं बोला तो दोनों को हमें ऐड करना है, दो डिफरेंट केसेस हैं। इफ 5 इज अ डिजिट देन द नंबर विल बी और 5 विल नॉट बी अ डिजिट, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। एंड होता 5 डिजिट नहीं है एंड 5 डिजिट है, ये दोनों केस एक साथ हो सकते हैं क्या? तो मल्टीप्लीकेशन आ जाते हैं। तो इसलिए आइदर आर, आप जब केसेस को सॉल्व करें तो देखें कि प्लस इसलिए हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ सेवन लेटर, सेवन लेटर पैलिंड्रोम, सेवन लेटर पैलिंड्रोम which can be formed using alphabets of English, English language में 26 alphabets हैं, A B A to Z, उनको यूज करने के हमें सेवन लेटर्स पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। पैलिंड्रोम्स किसको बोलते हैं? जिसको आगे या पीछे से, आगे पीछे से, जिसको हम फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, क्या है सेम आए, तो ऐसे सेवन लेटर्स के पैलिंड्रोम बनाने हैं। मीनिंगफुल हो या नॉन मीनिंगफुल हो उससे कोई मतलब नहीं होता फ्रेंसी में, ठीक है। वो उसके नाम का कोई मतलब है या नहीं है, बस हमें बनाने होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 डिजिट का ये पैलिंड्रोम है, 5 लेटर्स का नमन, आप इधर फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, दोनों तरफ से क्या पढ़ा जाएगा? नमन पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा एन ए एम ए एन या इधर से एन ए एम ए एन। तो ऐसे ही हमें 7 लेटर्स के पैलिंड्रोम बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बस पैलिंड्रोम बनाना, और पैलिंड्रोम बना रहे हैं तो लेटर्स रिपीट होंगे ही होंगे, जो फर्स्ट पे होगा वो लास्ट पे होगा, सेकंड पे होगा सेकंड लास्ट पे होगा, और बीच में भी रिपीट हो सकते हैं। तो 26 लेटर्स हैं, उनके हेल्प से आपको पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। बनाइए 26 पावर 4, ठीक है। तो क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने मेथड्स हैं? ए टू जेड 26 लेटर है फर्स्ट प्लेस में। मान लीजिए मैं ए रख देता हूँ या बी रखता हूँ या सी रखता हूँ, कोई भी रखें, फर्स्ट प्लेस के लिए अगर 26 वे हैं तो लास्ट प्लेस के लिए कितने तरीके हैं? एक तरीका है, क्योंकि जो आपने यहाँ रखा ए, अगर यहाँ रखा तो लास्ट पे भी ए ही रखोगे, ठीक है। फिर सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? सेकंड प्लेस पर जो फर्स्ट प्लेस पे रखा वो भी रिपीट कर सकते हो और नहीं भी रिपीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सेकंड प्लेस पर भी ए रख सकते हैं तो, लेकिन लास्ट सेकंड प्लेस पर भी जो सेकंड प्लेस पे होगा वही सेकंड लास्ट प्लेस पे होगा, तो सेकंड लास्ट प्लेस को फिल करने के वन वे है, और ये सभी 7 प्लेसेस फिल होने चाहिए, इसलिए इनटू हो रहा है इनटू। फिर थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए अगेन 26 वे, ठीक है। अगर यहाँ आपने जे रख दिया तो यहाँ भी जे ही रखेंगे, तो इसके लिए वन वे होगा थर्ड और थर्ड लास्ट का। अब फोर्थ प्लेस के लिए अगेन 26 वे है, फिर से अगर आप ये रखते हो देखो तो इधर से पढ़ो आ जा या इधर से पढ़ो, हाँ तो वही रीड होना चाहिए, तो ये दैट इज पैलिंड्रोम। तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स विल बी ठीक है पैलिंड्रोम इज इक्वल टू 26 रेस्ट टू द पावर 4 आ गया, ये आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 लिखें।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ ऑल द वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग letters of the word, using letters of the word, tough, T-O-U-G-H, tough, are arranged as written in a dictionary. As written in a dictionary. First, find total number of words. Total number of words. Second, find rank of word. Rank कहिए या इसी को क्या कह सकते हैं, position of word. तब तो क्या करना है, T-O-U-G-H, ये जो letters हैं इनसे जितने भी word बन सकते हैं, इन five letter से, five letter के सभी को एक साथ लेना है, five letter word जितने बन सकते हैं उनको बनाना है. और जैसे डिक्शनरी में हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही हमें इनको अरेंज कर देना. तो जब हम अरेंज करेंगे तो उन सारे वर्ड्स, अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करूं, तो मुझे बताना है कि कौन सी पोजीशन पे ये वर्ड टफ लिखा जाएगा और टोटल कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे. ये है क्वेश्चन का मतलब. फाइव रेस टू दावर फाइव नहीं है, क्योंकि यहाँ लेटर से रिपीट नहीं कर सकते हम. दो लेटर्स इसमें हैं, अगर इसमें लेटर रिपीट हो रहे होते टफ वर्ड में तो हम रिपीट कर सकते हैं. अभी यहाँ ठीक है, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लेटर, अगर मैं अल्फाबेटिक लिखा तो फर्स्ट लेटर है जी, फिर एच, फिर है ओ, फिर है टी, फिर है यू. ठीक है, अगर इसको कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे इससे, फाइव लेटर वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करें, फाइव लेटर के वर्ड्स बनाने हमें. फर्स्ट प्लेस पर इन फाइव लेटर्स में से कोई भी एक लेटर रखेंगे, कितने तरीके से, फाइव वेज से. मान लीजिए आपने फर्स्ट लेटर यही रख दिया जी, फिर सेकेंड प्लेस के लिए आपके पास कितने केस रह गया, जी को आप फिर नहीं रख सकते, फिर सेकेंड प्लेस पर क्या रखोगे, इन फोर लेटर में से कोई एक रखोगे. मान लो आपने एच रखा, फोर बेस है, एच भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, टी भी, यू भी, और ऐसे ही ओ फिर टी फिर यू, थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो जाएगा. इसी को वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव को फाइव फैक्टोरियल भी बोलते हैं. वैसे इसको मल्टीप्लाई करिए, टोटल कितने आ गए, 120. ये है फर्स्ट का आंसर, समझ रहे हैं. और अल्फाबेटिकली ऐसे हमें अरेंज करना है. अब जैसे कि मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगा तो सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखा जाएगा डिक्शनरी में, यही तो लिखेंगे जी एच ओ टी यू घोटू, यही तो लिखेंगे ना. देखिए हाँ ठीक बोलो, क्या बोलो सर, नंबर ऑफ वन सर, इनमें नंबर ऑफ डिजिट नहीं दे रखी वर्ड की, तो टू डिजिट वर्ड, थ्री डिजिट वर्ड एंड फोर डिजिट वर्ड पे तो काउंट होने चाहिए. इफ ऑल द वर्ड्स यूजिंग, यहाँ लिख दीजिए ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, सभी लेटर्स को लेकर के. अब जब सभी लेटर्स को फाइव डिजिट, फाइव लेटर वर्ड ही निकालना है. ओके ठीक है, अदरवाइज हमें वन लेटर टू लेटर भी कैलकुलेट करेंगे. अभी यहाँ पर हम सभी लेटर्स को एक साथ लेकर के बात कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए, तो पहला वर्ड ऐसे ही लिखा जाएगा. अब दूसरा वर्ड लिखना हो तो आपको क्या लिखोगे, हाँ दूसरा वर्ड लिखना हो तो जी एच ओ, फिर ये टी और यू, इनका अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ यू टी, ये सेकंड वर्ड बनेगा डिक्शनरी में, फिर ऐसे थर्ड बनेगा,
जी से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड आएंगे, जितने भी जी से, एच के, फिर उसके बाद आप ओ की पोजीशन चेंज करोगे टी, फिर ओ और यू, टी ओ यू, फिर टी यू ओ, ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। अभी फिर जी एच, फिर आएगा यू ओ टी, फिर जी एच यू टी ओ। ऑर्डर देखिए, अभी जी एच का सेम है, इनका ऑर्डर में पहले टी और यू कर लिया, फिर यू टी, ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिक्शनरी में अरेंज किए जाएंगे वर्ड्स। तो पहले जी से लिखे जाएंगे सारे वर्ड्स, फिर किसका नंबर आएगा, एच का, फिर आएगा टी का, फिर ओ का, फिर टी का, फिर यू का। और हमें ये बताना है कि ये टफ कौन सी पोजीशन पे लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में रैंक का ये मतलब है। तो सबसे पहले जो भी वर्ड जी से लिखे जाएंगे, सर्टेनली वो जो वर्ड जी लेटर से बने होंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर जी हो रहा होगा, वो टी लेटर के पहले आ रहे होंगे। तो जी से लिखे जाने वाले वर्ड कितने हो गए, तो फर्स्ट प्लेस पे आपने जी रख दिया, तो ये जी हट गया। बाकी बचे फोर लेटर को इन फोर प्लेसेस पे अरेंज कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइव लेटर्स बनाए थे। अभी सेकेंड प्लेस के लिए कितने तरीके हैं, फोर टी ओ यू एच में से कोई भी रखिए, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो ये आएंगे टोटल 24। जैसे कि मैं यहाँ अभी लिख रहा था, अभी तक मैंने सिक्स ही लिखे थे। ऐसे लिखते जाओगे तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड लिखे जाएंगे, 24, जो कि टफ वर्ड के पहले आएंगे। फिर इसके बाद डिक्शनरी में किसका नंबर आएगा, एच से लिखने वाले वर्ड का, जी के बाद एच आएगा। एच आपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, एच को छोड़ दो, बाकी बचा कौन कौन सा, टी ओ यू जी। अब टी ओ यू जी को इन फोर प्लेसेस पे अरेंज करो, रैंक 89 सर। हाँ ठीक है, तो इन फोर प्लेसेस पे लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 24। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, जी एच अल्फाबेटिकली कौन है, ओ है, ओ आएगा। ओ से जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो भी डिक्शनरी में टी लेटर से जो वर्ड लिखा गया होगा, स्टार्ट हुआ होगा, उसके पहले आ रहा होगा, तो उससे कितने आएंगे, उससे भी आएंगे 24। फिर किसका नंबर आएगा, टी का, टी से भी आएंगे 24, लेकिन हमें टी में सारे काउंट नहीं करने, क्योंकि टी के बीच में ही कहीं टफ वर्ड होगा, तो टी आपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब किसका किसका नंबर बचा, ओ यू जी एच आपको बनाना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो जी एच ओ यू आता है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो पहला लेटर ये जी एच ओ यू, टी जी एच ओ यू बनेगा। अब टी के बाद टी जी से जो वर्ड बनेंगे वो टी ओ के पहले आएंगे, हमें तो टफ बनाना है ना, तो टफ किससे बन रहा है, टी ओ यू जी एच, तो आपने फर्स्ट प्लेस फिक्स कर दिया, टी बन गया। अब आपको देखना है टी ओ वाले जितने भी वर्ड हैं वो टी जी के बाद आएंगे ना, तो टी ओ वाला ये पहले आ रहा होगा टी जी, तो फर्स्ट टू प्लेसेस फिक्स हो गए टी जी। अब रिमेनिंग थ्री प्लेसेस पे बचे हुए रिमेनिंग थ्री लेटर कौन कौन से हैं, यू, ठीक है, ओ एच, इनको अरेंज करेंगे 3 × 2 × 1 कितने तरीके से आएगा ये, 6। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा टी के बाद टी एच, टी एच वाले जो भी होंगे वो भी टी ओ के पहले आएंगे, तो उससे भी आपको मिलेंगे 3 × 2 × 1 कितने मिलेंगे, 6। फिर किसका नंबर है, टी जी एच के बाद ओ, ये है ना जी एच ओ में टी ओ, अब टी ओ फिक्स हो गया, इसी में कहीं टफ है, इसमें सारे काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। अब आपके पास टी ओ कंप्लीट, यू जी एच बचा है, अब टी ओ जी वाला जो होगा वो टी ओ यू के पहले मिलेगा, तो टी ओ जी, तीन लेटर फिक्स किया आपने, बाकी बचे दो लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 × 1 2। फिर टी ओ एच देखोगे, टी ओ एच टी ओ यू के पहले मिलेगा, तो टी ओ एच से कितने वर्ड बनेंगे, 2 × 1 2। फिर किसका नंबर आएगा, टी ओ यू का, इसी में कहीं टफ है, इसमें अब लास्ट टू प्लेसेस को अरेंज करना है, तो जी और एच से अरेंज करना है, टी ओ यू जी एच, तो जब अरेंज करेंगे जी और एच वाला वर्ड, एच और जी वाले वर्ड के पहले आएगा, आएगा क्या, तो टी ओ यू जी एच इसकी पोजिशन, तो इसके लिए 1, ये वाला वर्ड बाद में आएगा, तो हमें यहीं तक की पोजिशन कैलकुलेट करनी, तो इनको ऐड कर दीजिए कि इसके पहले कितने वर्ड आ रहे हैं और ये कौन सी पोजिशन पे आ रहा है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो दैट विल बी रैंक। तो रैंक क्या हुई, 24 + 24 + 24 + 6 + 6
प्लस टू प्लस टू प्लस वन, तो 72 प्लस 12, 84 प्लस 5, तो इस वर्ड की रैंक होगी 89। नोट कर लीजिए। और आप इसी तरीके से आपका जो नाम है उसकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट ना कर रहे हैं। अगर लेटर रिपीट कर रहे होंगे तब उसके लिए मेथड अलग होगा, वो आगे हम जब परम्यूटेशंस में पढ़ेंगे कि सेम हो तो कैसे करते हैं। लेटर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, सभी डिफरेंट हैं, तो यही मेथड है। तो इस मेथड से आप अपने ठीक है नेम में देख सकते हैं और खुद की रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखाना। ठीक है, यहीं से स्टार्ट है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी देखना है तुम्हें? नो सर, सिर्फ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो यहीं से है तुम्हें। सर मीनिंगफुल वर्ड्स सर सर देखिए फिर से गड़बड़ हो गया था लग रहा है, वो रिकनेक्ट कर लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे थे ना, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करें। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल, MIRACLE।
सभी लेटर्स को लेना है, सेवन लेटर्स हैं, सेवन लेटर्स, लेकिन कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई आउट प्लेसेस, सेकेंड है वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, एंड थर्ड है टू टर्मिनल प्लेसेस, टू टर्मिनल प्लेसेस मस्ट हैव अ वोवेल, टू टर्मिनल प्लेसेस मस्ट हैव अ वोवेल, ठीक है, नोट करिए। सर रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन नहीं अलाउड है, इसी से लेटर लेना है। इसमें अगर रिपीट हो रहा होता तो रिपीट कर सकते हैं, जब लैंग्वेज इस तरह की हो ना, तो इसमें जो लेटर इसी किससे लेटर लेने हैं, तो रिपीट नहीं कर सकते, अगर इसमें रिपीट होते तो रिपीट कर सकते थे। ओके सर। सर पहले पार्ट का 144 फर्स्ट पार्ट का, अच्छा, और सेकंड पार्ट देखिए बताते हैं आपको क्या है। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हुए? एम आर सी एल, ये है कॉन्सोनेंट्स, और वॉवल्स क्या क्या है? ए आई ई, ये है वॉवल्स, ये तो है। तो अब हमारे पास सेवन प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7, आउट प्लेसेस कौन कौन से हुए? 1 सर सेकंड पार्ट का भी थर्ड फोर्थ, ठीक है, इसको देखिए। फर्स्ट पार्ट अभी 144 सही नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें वॉवल्स आउट प्लेसेस पे आने चाहिए। नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है, वॉवल्स कम है, ठीक है। तो आप एक एक करके वॉवल्स के लिए प्लेसेस सेलेक्ट करोगे। ए के लिए अगर मेरे पास फोर प्लेसेस हैं, तो इन फोर प्लेसेस में से कहीं भी आ सकता है। फर्स्ट वॉवल के लिए मान लीजिए ए मैंने यहाँ रख दिया, तो सेकेंड वॉवल के लिए आई के लिए मेरे पास थ्री प्लेसेस हैं, इन थ्री में से कहीं भी रख सकते हो। अब ई के लिए टू प्लेसेस हैं, यहाँ रख दिया मान लीजिए ई आपने, तो ये वॉवल्स को रखने के तरीके हैं ऑड प्लेसेस पर। फोर में से थ्री ऑड प्लेसेस पर ये वॉवल्स रखे जाएंगे। अब बाकी बचे अब कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स इवन पे भी आ सकते हैं, ऑड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो कॉन्सोनेंट्स ये सेकेंड फोर्थ सिक्स और एक ऑड प्लेस जो बचा है, तो फोर कॉन्सोनेंट्स हैं और फोर प्लेसेस हैं, तो उनके लिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट के लिए अगर फोर वेस है, फोर प्लेसेस हैं, तो सेकेंड के लिए थ्री है, थर्ड के लिए टू और लास्ट के लिए वन। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए नंबर ऑफ वेस होंगे 4 × 3 × 2 × 1। जब हम ऑड प्लेसेस पर वॉवल्स की बात कर रहे हैं उस केस में ये है नंबर ऑफ वेस, तो 24 × 24 आंसर इज 576 फॉर फर्स्ट पार्ट। कोई प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट के लिए? ऐसे करना। अब बनाइए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 144 सही बता रहे हो। सेकंड पार्ट में इवन प्लेसेस पे वॉवल्स होने चाहिए, सेकंड पार्ट में इवन प्लेसेस पे वॉवल होने चाहिए। तो इवन प्लेस कौन कौन से होते हैं? 4 6, तीन प्लेसेस हैं और तीन ही वॉवल हैं, यही तो है। तो नंबर ऑफ वेस क्या हुए? थ्री वॉवल्स को थ्री प्लेसेस पे रखने हैं, नंबर ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट वॉवल के लिए थ्री वेस है, सेकेंड के लिए टू, लास्ट के लिए वन, 3 × 2 × 1। और कॉन्सोनेंट्स के लिए कितने तरीके हो गए? 4 × 3 × 2 × 1। ऑड प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट्स रखेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया वॉवल्स के लिए और ये कॉन्सोनेंट्स के लिए। बताइए वैसे ही किया है?
ये आएगा 6 × 24 इस बार, तो आएगा 144 सेकंड पार्ट। थर्ड में क्या है, टू टर्मिनल प्लेसेस, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पर एक वॉवेल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर। थर्ड में सेवन प्लेसेस हैं, 3, 4, 5, 6, 7, तो एम आर सी एल तो है, आई ए ई भी है, तो हमें चाहिए फर्स्ट और लास्ट पर क्या मिले, वॉवेल आए, फर्स्ट पे और लास्ट पे वॉवेल होना चाहिए। तो हमारे पास लेकिन वॉवेल 3 है, दो प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस फर्स्ट प्लेस पर वॉवेल रखने के इन तीन में से कोई भी एक वॉवेल रखो, कितने तरीके से कोई भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ए रख दिया ऐसे, अब बचा ए, अब यहाँ नहीं रख सकते, तो इस लास्ट प्लेस के लिए दो वॉवेल बचे। तो ये है टर्मिनल प्लेसेस को कंप्लीट करने के तरीके, टर्मिनल के लिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने ई रख दिया, तो अब ई भी कंप्लीट। अब आपको यह बीच के जो 5 प्लेसेस हैं उस पे ये 5-4 कंसोनेंट एम आर सी एल को रखना है, और एक वॉवेल जो यहाँ से छूट गया है वो आई भी हो सकता है, ए भी, ई भी, कोई भी हो सकता है। तो इन 5 लेटर को 5 प्लेसेस पे रखना है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 लेटर हैं, तो सेकंड के लिए 4, फिर थर्ड के लिए 3, 2, 1, ये है रिमेनिंग 5 प्लेसेस और 5 लेटर्स को रखने के तरीके। तो टर्मिनल 6 और ये आ गया 120, कितना आंसर आ गया 720, ये आंसर है थर्ड पार्ट का, जो कुछ बच्चों का आ रहा था। देखें सॉल्यूशन को और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। अब आप इस पर पीएनसी की डीपीपी 1 एक्सरसाइज 1 से डीपीपी 1 करके देखिएगा, सभी के पास मॉड्यूल अभी पीडीएफ भेज दिया गया है, बाकी हार्ड कॉपी भी आप में से बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं सर, तो उसकी डीपीपी 1 स्पेशल डीपीपी 1। हाँ बोलो बेटा। सर ये टर्मिनल के लिए सर 2 × 1 नहीं आना चाहिए था? 2 × 1 नहीं, 3 थे ना, 3 वॉवेल थे, वॉवेल ज्यादा है प्लेसेस कम है, उधर प्लेसेस ज्यादा थे वॉवेल कम है, तो ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, जब प्लेसेस कम है तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट प्लेस पे कितने वॉवल्स हैं, कितने लेटर्स बचे, तो 3 वॉवल्स में से कोई भी वॉवल रख सकते हैं। आई फर्स्ट प्लेस पे देखो, ए रख सकते हो, आई रख सकते हो, ई रख सकते हो, कितने तरीके हैं, या तो ए रखोगे या आई या ई, 3 काउंट भी करा सकता हूं मैं आपको, ए के साथ ई रखो, ए के साथ आई रखो, ए के साथ 2 हो गए, ऐसे आई के साथ ए रखो, आई के साथ ई रखो, फिर ई के साथ ए रखो, ई के साथ आई रखो, ये आएगा 3 × 2, 6 रख के देख सकते हो आप छोटी वैल्यूज को, तो समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्लास मतलब वेंसडे को, मंडे को नहीं, ये डिस्कशन कब होगा, वेंसडे को, क्योंकि कल मंडे को टेस्ट है किसका, सर्कल टॉपिक, लास्ट टॉपिक चल रहा था आप लोग का। ठीक है, तो बाकी बच्चे जो हैं क्लास में वो ध्यान रखें कि अगली क्लास जो